ये इसका इतना नहीं पता, बाद में जाके पता लगेगा, लेकिन एटलीस्ट वर्ल्ड कप के लिए बहुत अच्छा है. आई थिंक ये जो हम बात कर रहे थे अक्सर कि जी क्वालिफाइंग करके जो टीमें आई हैं या बड़ा हम उनको समझते हैं मीडियोक्रेसी टीमें हैं, उन्होंने आज फिर करके दिखाया. तीन मैच लगातार नेदरलैंड्स अच्छी क्रिकेट खेल रही है. ऑब्वियसली फिनिश लाइन तक नहीं जा सकती, कहीं ना कहीं मिस आउट हो जाते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक कंप्लीट परफॉर्मेंस. आई नो कि उनका स्टार्ट अच्छा नहीं था, लेकिन उनके कैप्टन एडवर्ड्स ने जो बैटिंग की, आई थिंक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, 78 रन की जो इनिंग खेली कमाल, है, और उसके बाद जो उनकी जो टेल थी, उन्होंने साथ कंट्रीब्यूशन, वैंडर मर्वा की जो कंट्रीब्यूशन थी वो बहुत जबरदस्त थी. आई थिंक जिस तरह फिर उन्होंने इस स्कोर को डिफेंड किया, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई बॉलिंग लाइनअप जो इनका है वो इनएक्सपीरियंस है. आई थिंक उन्होंने कप्तानी बहुत ज़बरदस्त की, बॉलिंग चेंजेस बहुत ज़बरदस्त थी, और आई थिंक ये जो जीत है, दो साउथ अफ्रीकन जो स्पेशली इस टीम में खेल रहे थे, 2-3, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तुक्के में नहीं जीत गया ना, नहीं तुक्के में तो यू नो अपसेट तो स्टिल इसको कहेंगे, लेकिन वो टीमें अब मेहनत करके आ रही हैं, बड़े अच्छे से क्रिकेट खेल रही हैं अच्छी, तो हमें एक्सपेक्ट करने चाहिए ऐसे रिजल्ट वर्ल्ड कप में. और जब मैच जो टाइट मैचेस भी होते हैं, हम कहते हैं यार इनसे भी टाइट खेल रहे हैं मैच और अच्छी टीमों से क्या होगा, तो ये आज का मैच ये मिसाल है. दोनों मैच बल्कि कामरों में दोनों की बॉलिंग में फर्क था, यानी अच्छा डिफरेंस कहाँ था, बॉलिंग की अप्रोच में, कप्तानी में, क्या? मेरे ख्याल से डिफरेंट ये था कि टॉस जीत के जो बॉलिंग की है ना, ऐसी टीमों को स्कोर बोर्ड लगा देना पहले बैटिंग करके, ऐसी टीमें अंडर प्रेशर आती, पाकिस्तान ने भी किया था, और यही मेरे ख्याल से आज उन्होंने जो एक अपॉर्चुनिटी वो मिस की, यही वर्ल्ड कप T20 में ऐसे ही किया था इन्होंने. और उसके बाद जैसे टेल ने बैटिंग की है, जैसे बासत भाई बताते हैं, आर्यन दत्त जो उनके वाले साहब है, आर्यन ने जैसे नीचे से आके 23 रन बनाए 9 बॉलों पे टेल, तो मेरे ख्याल से बड़ी सपोर्ट करती है. उसके बाद एडवर्ड ने जैसे बैटिंग की, अनबिलेवर, ये विक्ट्री मैं बोलूंगा ये अपसेट है, लेकिन नेदरलैंड के लिए ये वर्ल्ड कप जीतने से कम विक्ट्री नहीं है. क्या बात, ऐसी विक्ट्री है. उन्होंने मेहनत और अंडर लाइट बॉलिंग जब आप बाउंसी ट्रैक पे करते हैं ना, तो फिर मुश्किल होती बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को, तो ये मेरे ख्याल से एडवांटेज नेदरलैंड की टीम को मिला, और बॉलर्स ने उतनी जबरदस्त बॉलिंग की या तो एक कंप्लीट एफर्ट लगी नेदरलैंड की टीम. सही, और बात है क्या ये बात भी हम कह सकते हैं कि अगर कोई ये कह रहा हो, अगर मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि शुएब जट्टी ये कह रहे हैं, अगर कोई ये कह रहा हो कि भाई ओ जी क्या नेदरलैंड से आप जीते भी पाकिस्तान, तो क्या जीते इतना ऐसे वन साइडेड तो जीते नहीं, तो ये कहा जा सकता है कि भाईजान देखें उन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है, उन्होंने न्यूजीलैंड को, तो ये कहा जा सकता है कि नहीं भाई इतनी कच्ची टीम नहीं है नेदरलैंड्स. नहीं ये बात नहीं है, पाकिस्तान जो जीता अपनी परफॉर्मेंस से जीता, उस वक्त लोगों का ख्याल था साउथ अफ्रीका बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत जाएगा. आज पता, आज चेहरा शक्ल है शीशे में नजर आ गई. हमारे जो प्रोड्यूसर साहब वो तो रोजाना बोलते हैं हमें फवाद भाई के साउथ अफ्रीका हारेगी, कल रात भी बोल रहे थे और बोलते हैं पाकिस्तान से भी हारेगी. तो मुझे ये लगता है जो एक चीज थी ना कि साउथ अफ्रीका बहुत टॉप क्लास क्रिकेट खेली है, और उनका एक नाम भी है चोकर्स, आज से पता चल गया कि हम उन्हें इस नाम से भूल नहीं सकते. एक चीज है, ये बुरा टाइम ना उनका नॉकआउट मैच पे नहीं आया, ये भी मेरे ख्याल से चौक नहीं किया, अभी एक बुरा मैच हो गया, वो निकल गया, शायद आने वाले मैचेस और अच्छे करें, और वो एक जो एक कहते हैं ना कि पाकिस्तान तो अपसेट की सद में नहीं आ जाएगा, अपसेट की हवा चली हुई है, उस हवा में इंग्लैंड आ गया है, साउथ अफ्रीका आ गया है, हमारा अफगानिस्तान से मैच है चेन्नई में है, तो अल्लाह ना करे. अच्छा ओके.